फुनशोलिंग से बाहर निकलते ही एक बेहद खूबसूरत राह हमारा इंतजार कर रही थी। मौसम अब खुशगवार हो गया था और हरा भरा हिमालय अपनी अनछुई सुंदरता के साथ बाहें फैलाए खड़ा था। पर्वतों से उतरकर मेघ भी हमसे गलभैयां करने चले आए थे और सारे रास्ते हमारे हमसफर बनकर साथ साथ चलते रहे। पिछले 6 दिनों के मैदानी सफर के बाद अब हम पहाड़ों की गोद में थे। कौन हैं ये लोग और कहां के सफर पर हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुलता राजनायर और आप सुन रहे हैं मेरा शो किताबें, जहां मैं बातें करती हूं अपनी पसंद की किताबों की और एक छोटी सी गुफ्तगु लेखक से भी। तो हम किसी यात्रा की और मुसाफिर की बातें कर रहे थे, तो चलिए आज आप सबको एक सुहाने सफर पर लिए चलती हूँ। यानी आज मेरे हाथों में है एक यात्रा वृतांत। मैं बात कर रही हूँ एक शानदार जीवन से भरी राइटर पल्लवी त्रिवेदी की लिखी किताब की, जिसका शीर्षक है खुश देश का सफर, भोपाल से भूटान, 4 दोस्तों की रोड ट्रिप। पल्लवी मेरे शहर भोपाल में रहती हैं, राज्य पुलिस सेवा में अफसर हैं और इस ट्रैवलॉग के पहले उनका एक काव्य संग्रह तुम जहां भी हो और एक व्यंग संग्रह अंजामे गुलिस्ता क्या होगा प्रकाशित हो चुका है। पल्लवी शानदार फोटोग्राफर भी हैं, यानी एक हरफन मौला इंसान है पल्लवी। मैंने इस किताब को आप तक लाने के लिए चुना, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो इस ट्रैवलॉग की लिखाई, यानी लेखक बड़ी खूबसूरती से कहीं काव्यात्मक हुई हैं, कहीं गुदगुदाते हुए हंसी ठट्ठा लिखा है। सनद रहे कि ये 4 दोस्तों की यात्रा है तो मौज मस्ती तो होगी ही, और जहां आवश्यकता है वहां जानकारी भी दी है, ताकि आप जब भूटान यात्रा पर जाएं तो इस किताब की मदद ले सकें। चलिए पल्लवी से भी पूछते हैं कि उनके मुताबिक ये किताब क्या है, इसमें कौन सी पल्लवी हमें दिखाई देगी। ये हार्डकोर ट्रैवलॉग तो नहीं है कि जिसमें आपको केवल उस जगह के बारे में या वो जगह कैसी है सिर्फ इसका वर्णन हो या कैसे पहुँचे। ऑफ कोर्स इसमें वो सारी चीज़ें होंगी कि आपको भूटान घूमने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी, क्योंकि मैं जब लिख रही थी तो ये सब चीज़ें समेटते हुए चल रही थी। ये साथ में चूँकि हम 4 दोस्त एक साथ सफ़र कर रहे हैं, तो उन दोस्तों की भी एक जर्नी को ये दिखाता है, उन लोगों के आपसी रिश्ते कैसे हैं और 4 दोस्तों का एक ही जगह को लेके कैसे ख्यालात हैं, एक ही जगह पे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, वो चीज़ें हैं इसमें। और ऑब्वियसली जैसे मैंने अगर किताब के बहुत शुरुआती पन्नों में ही लिखा है, ट्रैवलर जो हैं, अगर को ट्रैवलर भी कोई साथ में है तो वही को ट्रैवलर अच्छा है जो एक दूसरे को पूरा स्पेस दे, मतलब हम साथ में होते हुए भी अपना एकांत हासिल कर पाएँ और जिस जगह पर हम गए हैं तो उस जगह के साथ अपना एक रिश्ता कायम कर पाएँ। तो जो आपने बात की कि राइटर पल्लवी उसमें है या नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो है, क्योंकि जिन जिन जगहों पर मैं गई तो उन जगहों पर मैंने क्या महसूस किया, उस जगह को मैंने किस तरह देखा या मेरी फिलॉसफी क्या रही उन जगहों के बारे में, लोगों के बारे में, तो वो भी इसमें पूरी अच्छी तरीके से आया है। तो ये एक मिक्स्ड है और ऑफकोर्स ट्रेवलॉग भी ये है ही। जब मैं कहानियां लिखती हूँ या मंडली के राइटर्स से लिखवाती हूँ तो हम विजुअल राइटिंग की बात करते हैं। अब सोचिए कि अगर यात्रा वृतांत विजुअल, पोएटिक और दिलचस्प ना हो तो कौन पढ़ेगा। हर रचना के साथ पहले लेखक जुड़ता है, उसमें व्यतीत होता है, फिर उसके बाद उसे पढ़ने वाला उससे जुड़ जाता है, उसकी एक अपनी यात्रा होती है। पल्लवी ने जो यात्रा वृतांत लिखा ये बेहद सुंदर लिखा और बहुत ही ईमानदार जिया हुआ, क्योंकि पल्लवी एक शानदार ट्रैवलर हैं, घुमक्कड़ी उनका सबसे बड़ा पैशन है और वो इस किताब से झलकता है। सदी हुई राइटिंग, कसा हुआ कहानीपन और सुंदर विजुअल डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा दोस्तों के साथ की गई मस्ती, ये सब देखकर हम कह सकते हैं कि वो जितनी शानदार ट्रैवलर हैं उतनी ही परिपक्व और शानदार लेखक भी हैं और उतनी ही सुंदर, सादी, प्यारे इंसान। सुनिए किताब का एक छोटा सा हिस्सा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हिस्सा पल्लवी ने नदी के किनारे बैठकर लिखा है। आज शुक्ल पक्ष की 9वीं है और चांद को अपनी पूरी रोशनी कमाने के लिए पूनम तक का सफर तय करना है। जाने कब से मन में एक ख्वाहिश पल रही है कि किसी शरद पूर्णिमा को रात भर चांद तले जागकर किसी बेहद करीब की सोहबत में दुनिया की सबसे सुंदर कविताएं और संगीत सुनूं। आह, कितनी प्यारी बात है ना। इस किताब को पढ़ के लगा कि कभी मैं भी जाना चाहूंगी भूटान,
पल्लवी के पद चिन्हों पर चलते हुए उसकी नजर से पंछियों, पहाड़ों, मंदिरों और भूटान वासियों को देखते समझते हुए इस किताब को पढ़ने के बाद आप भी ठीक ऐसा ही महसूस करेंगे। और मैं मानती हूँ कि ये किसी यात्रा वृतांत की सबसे बड़ी सफलता है। इस किताब के कवर पर यूनुस खान ने लिखा भी है कि ये किताब कई लोगों के भीतर सोए यायावर को जगाएगी। यूनुस रेडियो की दुनिया की जानी मानी आवाज है। यहाँ मैं लेखक से एक सवाल और करना चाहूंगी। पल्लवी, ये बताइए कि कैसे यात्रा की जाए कि उन्हें बाद में पन्नों पर उतार सकें, यानी अगर कोई यात्रा वृतांत लिखना चाहे तो क्या तैयारी हो। ये सवाल मैं एक लेखक के तौर पर कर रही हूँ क्योंकि मैं कहानियां लिखती हूँ, यात्राएं भी करती हूँ, पर इतना सुंदर यात्रा वृतांत लिखना ये कैसे संभव हो? नहीं, जब यात्रा प्लान की थी तब ये नहीं सोचा था कि इस पे कोई किताब लिखूंगी या यात्रा वृतांत इस पे लिखूंगी। लेकिन संयोगवश ऐसा हुआ कि जब हम लोग यात्रा शुरू कर रहे थे तो उसके दो दिन पहले मेरी राजकमल प्रकाशन के जो एडिटर हैं सत्यानंद निरुपम, उनसे बात हो रही थी। बातों बातों में मैंने जिक्र किया कि मैं भूटान यात्रा पर जा रही हूँ। तब उन्होंने कहा कि आप इसका एक यात्रा वृतांत लिखें। मैं खुद श्योर नहीं थी कि मैं लिख पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि मैंने ये मेरा पहला यात्रा संस्मरण है। फिर भी मैंने उनको बोला था कि मैं कोशिश करूंगी। यात्रा वृतांत या यात्रा के बारे में लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक यात्री होना जरूरी है। अगर आप यात्री नहीं हैं तो आप एफर्ट डाल के उसको लिखेंगे और मुझे नहीं लगता कि वो बात आ पाएगी। तो अगर आप यात्री हैं और उसके बाद लिखना चाहते हैं तो फिर उसमें भी एक बहुत खास बात मुझे लगती है कि आप टूरिस्ट हैं या ट्रैवलर हैं। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, आप यहाँ कैसे पहुँचें, कौन कौन सी साइट सीइंग करें, वहाँ क्या खाएं, क्या पिए, क्या शॉपिंग करें, आप इसका वर्णन लिखें और लौट आएं सूखा सूखा। लेकिन अगर आप एक ट्रैवलर हैं, उस जगह को जानने समझने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हाँ, इसमें कुछ चीज़ें मददगार हो सकती हैं। वैसे तो हर व्यक्ति का अपना राइटिंग स्टाइल है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि शायद काम आ जाए लोगों के। जैसे आप अगर जा रहे हैं किसी जगह पर, वो जगह कैसी है, अगर वो आपके ऑब्जर्वेशन में रहेगा तो वो आप यात्रा वृतांत में लाइए, जिससे उस जगह का भौगोलिक नक्शा पढ़ने वाले की नज़र में, उसके जहन में साफ हो जाए। दूसरा, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ का इतिहास क्या है और सदियों में किन किन जगहों से गुजर के आज वो वर्तमान तक पहुँचा है, वहाँ के लोगों की फिलॉसफी क्या है, उनका जीवन दर्शन क्या है। और ये आप तब कर पाएंगे जब उन लोगों से, वहाँ लोगों से जुड़ेंगे, मिलेंगे। अगर आप अकेले गए या अपने दोस्तों के साथ गए और उन्हीं से बातें करके होटल में रुक के आ गए तो शायद आप ये चीज़ें मिस कर जाएंगे। इसके अलावा वहाँ कौन से खाने की चीज़ें हैं, आप उसका भी अगर आप लोगों से पूछेंगे तो उसका अपना इतिहास होगा, कौन से मसाले इस्तेमाल होते हैं। तो आप जितना उस जगह से जुड़ेंगे और जितना लोगों से मिलेंगे, जितना गलियों में, सड़कों पर पैदल घूमेंगे, तो अपने आप वो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद सोच सकते हैं कि आपको किन चीजों को लेना है और किन चीजों को छोड़ना है। 215 शब्दों की इस किताब में लोक कथाओं के देश भूटान की कुछ सुंदर तस्वीरें भी हैं जो पल्लवी ने खुद खींची हैं। चारों दोस्तों के बीच की मस्ती और केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं ना, द चेरी ऑन टॉप। तो भीतर के पन्नों पर एक सुंदर कविता भी है, आप पलटिएगा वो पन्ने। नदियों के ऊपर लिखी वो कविता आपको भी जरूर भाएगी। यानी कई कई मायनों में ये किताब एक मस्ट रीड है। तो जरूर पढ़िएगा पल्लवी त्रिवेदी का लिखा ये यात्रा वृतांत, खुश देश का सफर, जिसके प्रकाशक हैं सार्थक प्रकाशन, जो राजकमल का एक उपक्रम है। मैं अनुलता राजनायर अब आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी यहीं किसी और किताब के पन्ने पलटते हुए। तो सुनते रहिए मेरा शो किताबें, और पढ़ते रहिए अच्छी अच्छी किताबें, और यात्राएं करते रहिए। अब आखिर में किताब से ली गई ये पंक्तियां सुनाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी। पृथ्वी पर जितना भी हरा है सब प्रेम है। मैं हर बार जंगल से प्रेम लेकर लौटी हूँ, हर बार थोड़ी और हरी होकर।